सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। मैं मिशा आप सबका स्वागत करती हूँ सीटेट के बैच में। तो देखिए, सीटेट की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सीटेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि सीटेट का एग्जाम, उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट भी बता दी थी। और साथ ही साथ आपको थोड़े से क्राइटेरिया भी थे कि जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन यानी कंटेंट से 15 नंबर का आ रहा है और पेडागोजी आपकी 15 नंबर की आ रही है, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने लिसनिंग स्किल्स, तो वैसे तो हम लैंग्वेज स्किल पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज स्किल में जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो लिसनिंग स्किल है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रीडिंग स्किल, यानी कि हम नेक्स्ट स्किल पे बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, रीडिंग स्किल। देखिए, मैं किसी भी वीडियो को या किसी भी सेशन को लंबा लंबा यानी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, जो आपको देखने में भी बहुत आसान लगेगा और आप उसको सुन के ही जल्दी से उसको रिकवर कर लेंगे और साथ ही साथ उसको याद भी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, रीडिंग स्किल क्या होता है। देखिए, रीडिंग स्किल, जैसे लिसनिंग स्किल था वो क्या था, सुनने का कौशल। तो रीडिंग स्किल क्या है, जिसको हम बोलते हैं पढ़ने का कौशल, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठन कौशल बोलते हैं। अब देखिए, रीडिंग स्किल का हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है कि देखिए, पढ़ हम क्या क्या चीजें सकते हैं। जब भी कोई प्रिंटिंग मेथड हो या कोई टेक्स्ट होता है कहीं पे लिखा हुआ, उसको जब हम देख के अपने आई व्यू से उसको देख करके जब पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिंग स्किल बोलते हैं। रीडिंग क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इफेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल क्या करता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट, कि वो क्या होता है, योग्यता चेक करता है कि लिखे हुए को आप कैसा पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलप द स्किल विच आर नेसेसरी टू एक्वायर मोर नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमको, यानी वो क्या करता है, डेवलप करता है हमारी, जिसमें नॉलेज गेन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीडिंग स्किल कहते हैं। और देखिए, रीडिंग स्किल दो तरीके से बच्चा जो है वो सोचता है। पहला तो क्या सोचता है, लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होता है, लाउड रीडिंग होता है जब कोई क्या कर रहा हो, तेज तेज किसी चीज को पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई होते हैं किताबों को थोड़ा तेज पढ़ते हैं ताकि उनकी जो पढ़ने की स्किल, इससे वैसे टीचर को भी पता लगता रहता है कि बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है, क्या पता उसकी कुछ मिस्टेक हो, शायद वो शब्द का जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, वो सही तरीके से ना करता हो। तो लाउड रीडिंग क्या होती है, जब हम तेज तेज उस चीज को पढ़ते हैं। और एक होता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है, जब हम टेक्स्ट को सिर्फ देख रहे हो और उसको बस अंदर ही अंदर मन ही मन में पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं जो हमारा रीडिंग स्किल है वो चार एस्पेक्ट्स पे काम करता है, यानी उसके जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चार तरीके के होते हैं, कौन कौन से, काइंड्स ऑफ रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग इंपॉर्टेंट, अगेन नेक्स्ट इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब देखिए, इन चारों में हमारे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमारे इन चारों में ये डिफरेंस है कि देखिए, स्कैनिंग और स्कीमिंग मैं दोनों को पहले बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी क्या एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। स्कैन और स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, स्कैनिंग और स्कीमिंग क्या होती है, इस रीडिंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो देखिए, स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक तरीके की क्या है, फास्ट रीडिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड रीडिंग भी बोलते हैं। क्या है, ये दोनों ही फास्ट रीडिंग है, जो जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है। बस दोनों का जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि उद्देश्य है। जो स्कीमिंग होता है ना, वो सिर्फ क्या देखता है, मेन आइडियाज को देखता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई, और ये ना बहुत लेंथी होता है, ये क्या होता है, इसमें लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं। और स्कैनिंग क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। और स्कैनिंग जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन मुश्किल होता है, क्या होता है, टफ होता है। और जो स्कीमिंग होता है वो क्या होता है, इजी होता है। क्योंकि देखिए, स्कीमिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई आपके पास बहुत लेंथी सा टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, कोई स्टोरी का, कोई पैराग्राफ का, किसी भी चीज का, लेकिन अगर आपने उसका कंटेंट पढ़ लिया है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या कहता है, आप उसको, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। यानी मेन आइडिया क्या है कि मैं अगर लंबा लंबा टेक्स्ट भी, यानी जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग का रीड कर लूंगा, एंड का रीड कर लूंगा, ठीक है, जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो किसमें आती है, स्कीमिंग में आती है। लेकिन वही अगर हम स्कैनिंग को देखें, तो स्कैनिंग क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया गया है, मैंने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़ लिए, और उन कीवर्ड के लिए मैं अब आंसर को स्कैन करने लगी, यानी पूरे सेंटेंस को क्या करने लगी, स्कैन, कि भाई सिर्फ मेरे को पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए कि इससे ये मैच हो रहा, अच्छा ये वाला मेरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो गया,
स्कैनिंग हो गया, जैसे कि डिक्शनरी। अब हम पूरी डिक्शनरी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो किस में आ जाएगा, स्किमिंग में आ जाएगा, कि पूरी डिक्शनरी का कंटेंट पढ़ लिया और उसको बस पढ़ते जा रहे हैं मेन मेन पॉइंट्स को जितने की हमारी जरूरत है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ रहे हैं तो वो क्या होगा, स्कैनिंग, क्योंकि सिर्फ जो उसको क्या कर रहा हो, चेकआउट कर रहा हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है किसमें, स्कीमिंग में और स्कैनिंग में, कि जहां पे स्कीमिंग क्या देखता है, मेन आइडियाज को, और वहीं पे स्कैनिंग क्या देखता है, स्पेसिफिक फैक्ट्स को। अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, यानी कि दोनों में मेन मेन चीजें क्या है जो एक जैसी मेल खाती है। पहला आता है क्या, कि स्कीमिंग क्या है, एक क्विक रीडिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताया ना, जो जल्दबाजी में, वैसे तो दोनों ही रैपिड है यानी जल्दी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि स्कैनिंग भी क्या है, क्विक रीडिंग टेक्निक। ये क्या करता है, लॉट्स ऑफ टाइम और एनर्जी को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। बस ये थोड़ा सा मुश्किल हो, ये थोड़ा आसान होता है, और ये थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, आसान होता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लेंदी होता है और ये क्या होता है, शॉर्ट। और जब भी कोई शॉर्ट चीज होती है तो ऑब्वियसली उसमें मेन मेन फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, तो वो क्या होंगे, डेफिनेटली मुश्किल होंगे जो थोड़े समझने, क्योंकि जो चीज छोटी होती है ना, दिखने में छोटी है लेकिन होती थोड़ी मुश्किल है। नेक्स्ट है, इट हैज अ फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस, वो सिर्फ क्या, एक उद्देश्य पे काम करती है, और ये भी क्या करती है, एक उद्देश्य पे काम करती है। आता है क्विक आई मूवमेंट, और जैसे मैंने आपको कहा रैपिड रीडिंग, रैपिड रीडिंग का मतलब ही क्या है, जिसको हम बोलते हैं ना आई व्यू, सिर्फ हम उस टेक्स्ट को देख रहे हैं और देखते देखते ही हमको समझ आ जाता है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है, क्विक आई मूवमेंट से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तो क्या थी, इन दोनों में सिमिलैरिटीज थी। अब देखिए दोनों में अलग अलग चीजें क्या है, दोनों में अलग अलग चीजें क्या है, स्कीमिंग और स्कैनिंग में आपने पढ़ लिया। स्कीमिंग फिर से वही, जैसे मैंने आपको कहा टेबल ऑफ कंटेंट किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई स्टोरी, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ, लैंग्वेज में अगर मैंने आपको हेडिंग ही दे दी रीडिंग, तो आपको पता है सारी चीजें पढ़ने के बारे में ही होगी, तो आप क्या कर लोगे, इसको जल्दबाजी में रीड करोगे, यानी स्कीमिंग में क्या आ जाएगा, जल्दबाजी में इसको रीड करना। स्कैनिंग क्या होगा, जब हमको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया पैसेज का, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले हम करते हैं ना पैसेज को सॉल्व करने का ही तरीका क्या होता है, एक कि हम क्या करते हैं क्वेश्चन पहले थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन, और फिर पैसेज को थोड़ा रीड करते हैं, और जल्दी जल्दी रीड में अगर हमको वो कीवर्ड मैच हो जाते हैं तो वो किस में आ जाता है, स्कैनिंग में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव को आप क्या याद करोगे, इंटेंस से। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जो थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है। क्या होती है, हार्ड होती है, क्योंकि वो क्या चूज करती है, टीचर चूज करती है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग देखिए शॉर्ट होती है, ठीक है, शॉर्ट होती है, और उसमें क्या पता लगता है कि आपके जो मेन मेन पॉइंट है, और इंटेंसिव रीडिंग क्या क्या क्लियर करती है, आपका ग्रामर की, यानी अगर आपका शॉर्ट है तो उसके अंदर टीचर ने कुछ तो चूज किया होगा ना, कि उसके अंदर आपका ग्रामर भी सही हो, साथ साथ आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी सही होना चाहिए इंटेंसिव रीडिंग में, क्योंकि इंटेंसिव में जब आप किसी चीज को ऑल डिटेल्स में पढ़ रहे हो, जैसे एक होता है ना बहुत गहराई से पढ़ना, इंटेंस का मतलब ही क्या होता है, गहराई से, डीपली, और जब हम किसी चीज को डीपली पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब क्या होता है, कि हमको सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, गैदर करनी है, ये नहीं। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जो थोड़ी लेंदी तो होती है, जिसको सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक क्विक इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमको ये चीज जो है पता होनी चाहिए, ये सिर्फ एक रीडिंग का तरीका है, ठीक है। ये क्या होता है, डिफिकल्ट, अभी मैंने आपको बताया छोटा होता है लेकिन क्या होता है, डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर हमको ग्रामर भी देखना है, वोकैबुलरी भी देखना है, इडियम एंड फ्रेजेस भी देखना है, उसका अटेरेंस भी देखना है, प्रोनंसिएशन भी देखनी है। नेक्स्ट आता है वन रीडिंग मे बी शॉर्ट, अभी मैंने बताया ये क्या होती है, शॉर्ट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल डिटेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ये सारी डिटेल्स को चेकआउट करना होता है। डिफिकल्ट एंड न्यू वर्ड्स, हमेशा क्या होते हैं, डिफिकल्ट और उसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी होते हैं। और क्या, स्लो, हमेशा क्या होता है, स्लो, क्योंकि अगर देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि जल्दबाजी में हमने पढ़ा और हमको समझ आ गया, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, अगर हम स्लो स्लो पढ़ेंगे तभी हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक पता चलेगी, वोकैबुलरी क्या कहना चाहती है, इडियम, और उस मतलब जो कहते हैं ना रीड बिटवीन दी लाइंस, कि हमको सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ मीनिंग भी समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव,
एक्सटेंसिव क्या होता है, जो बाहरी रीडिंग को बताता है, ये लर्नर खुद चूज करता है, चाहे वो कोई स्टोरी बुक पढ़ सकता है, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग सिर्फ उसकी क्या कर रही है, रीडिंग स्किल को इनहेंस कर रही है और कुछ भी नहीं। चाहे वो कोई स्टोरी पढ़ सकता है, कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी पढ़ सकता है, उसमें वो क्या करेगा कि उसको क्विक डिटेल्स चाहिए, तो वो सिर्फ ऊपर की लाइन भी पढ़ लेगा, नीचे की भी पढ़ लेगा, मतलब एक पूरा पैराग्राफ है मान लो रीडिंग के बारे में ही, तो रीडिंग के बारे में उसको पता है कि सब चीजें वही रिपीट होगी, तो वो क्या करता है पहले मेन मेन लाइनें पढ़ लेता है, ऊपर की नीचे की, टेक्स्ट का बीच का थोड़ा पढ़ लिया, एंड का थोड़ा पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है ये क्या होती है, बहुत ही इजी, लॉट्स ऑफ पेजेस इसमें जो वो क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, जैसे ये क्या था शॉर्ट और ये क्या है लेंदी। अंडरस्टैंड जनरल मीनिंग, सिर्फ हम किस लिए पढ़ते हैं, जनरल मीनिंग के लिए, कि बस हमको समझ आना चाहिए। इजी वर्ड यू नो, और वो शब्दों का इस्तेमाल होता है जो आपको पता होते हैं पहले से ही। और ये क्या होती है, फास्ट रीडिंग होती है। क्या होती है, फास्ट रीडिंग होती है। नेक्स्ट आता है देखिए इंटेंसिव रीडिंग एनालिसिस, ये तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत इजी होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वो टीचर चूज करती है, ये बच्चा खुद चूज करता है कि लर्नर क्या पढ़ना चाहता है। तो आज हमने जो रीडिंग स्किल है जिसको हम पाठन क्वेश्चन भी बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अगर आपने इतना भी थोड़ा क्विक वे में पढ़ लिया तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। सो मैं आज की क्लास यहीं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको मिलूंगी लैंग्वेज स्किल में अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।